जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। इससे पहले आप लोग कहने लग जाओ, मैं हर गर्मी में चश्मा पहन लेता हूँ डार्क सर्कल छुपाने के लिए, पसीना छुपाने के लिए। Realme 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हो गए थे। Realme 11, 11 Pro और 11 Pro Plus तीनों स्मार्टफोन्स के सारे स्पेसिफिकेशंस, प्राइजेस और डिटेल्स स्क्रीन पे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि तीनों में आपको सबसे बेस्ट कौन सा फोन लगा। मुझे 11 Pro काफी अच्छा लगा और मैं Realme 11 Pro Plus के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया था, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। कुछ लोग मुझे उस वीडियो में मैंने कह दिया था, कहने लग गए कि आपने कहा कि Realme 11 Pro Plus 30,000 रुपए के आसपास इंडिया में लॉन्च होगा, बहुत ही बेस्ट फोन होगा, लेकिन आप Vivo V27 को भूल गए क्या? देखो यार, मैं Vivo V27 को नहीं भूला हूं, वो भी बहुत अच्छा फोन है, लेकिन यार ये भी तो देखो, कोई ब्रांड अगर अच्छा काम किया है तो तारीफ करने में क्या जाता है। Realme अच्छा काम किया, अच्छा फोन लॉन्च किया, तो इसलिए मैंने कह दिया कि वो एक अच्छा फोन है और Vivo V27 का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव भी है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दे देता है, कैमरास भी भाई अच्छे हैं, 200 मेगापिक्सल का है और परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, बिल्ड भी काफी अच्छा है, कर्व्ड डिस्प्ले है, तो भाई अच्छी अच्छी चीजें तो दे रहा है ना, तो थोड़ा सा तारीफ करने में क्या दिक्कत है यार, इसी वजह से मैंने कहा। खैर, यहां मैं गलत हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं गलत हो गया। Realme Narzo N53 और Realme C53 दोनों अलग फोन है, बहुत अच्छा लगा ये जान के। Realme Narzo N53 18 मई को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और देख लो फोन ऐसा दिखाई देता है। Realme से मेरे को ये उम्मीद नहीं था कि वो एप्पल का डिजाइन एकदम कॉपी कर लेगा। चलो ठीक है, माना टेक्नो करता है, इन्फिनिक्स करता है, बाकी थर्ड क्वालिटी वाले ब्रांड्स करते रहते हैं, लेकिन Realme तुम एक अच्छे ब्रांड हो यार, एक नामचीन ब्रांड हो, तुम एप्पल का डिजाइन कॉपी कर रहे हो यार, इतने बुरे दिन आ गए। मेरे एक दो भाई लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले वे में कह रहे थे, भाई तू कब बताएगा लावा अग्नि 2 कब इंडिया में लॉन्च हो रहा है? देखो यार, 16 तारीख को ये लॉन्च हो रहा है, इसका प्राइस 20,000 रुपए होगा। लो बता दिया मैंने, अब गुस्सा मत होना। तो यार वो गूगल पिक्सल 7a लॉन्च हो चुका है, मैंने कहा था ना 45,000 रुपए इसका प्राइस होगा, देखिए 45,000 रुपए इसका प्राइस है। देखो यार, मेरे तो दिल के अरमान आंसू में बह गए, मैं सोचा था कि 40,000 रुपए के आसपास प्राइस होगा, लेकिन 45 निकल गया। मैं अभी इसको नहीं खरीदूंगा, बिग बिलियन डे सेल में खरीदूंगा और सोच रहा हूँ कि पिक्सल 7 को खरीदूँ, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल में पिक्सल 7 मिल जाएगा 40,000 रुपए 42,000 रुपए के आसपास, तब तक तो मैं पैसे भी इकट्ठा कर लूंगा और ले लूंगा इसको, मैं यही सोच रहा हूँ। लेकिन फिर और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, जैसे कि आईफोन 13 लूँ कि पिक्सल 7 लूँ, तो अभी मैं कह सकते हो कि 4 साल बाद एक फोन अपग्रेड कर रहा हूँ, तो सोच समझ के लूंगा ना यार, और उस पर काम भी करना मेरे को। वैसे आप बताना, आप पिक्सल 7 ही खरीद रहे हो क्या? आपके क्या रिएक्शन ओपिनियंस है? और अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो तो वीडियो बना दिया था, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। Google Pixel Fold भी लॉन्च हो चुका है और मानो या ना मानो, ये सबसे बेकार फोल्डेबल फोन अपने जीवन काल में मैं देखा हूँ। यार Google तुम्हारा पहला फोल्डेबल फोन था और ऐसे तरीके से आप लॉन्च किए हो, इतने बड़े बड़े बेजल्स हैं, डिजाइंस भी कुछ अच्छा नहीं है और ऐसा फॉर्म फैक्टर है कि देख के अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आया भाई, सही बता रहा हूँ। और भाई चलो ठीक है, बंदा चलो मान भी लिया कि अच्छा फोन है, ठीक ही है, गूगल का है फोल्डेबल फोन, लेकिन पैसा तो देखो यार, इतना ज्यादा पैसा, सैमसंग प्राइस को देखकर बहुत खुश हुआ होगा, वो बोला होगा यार सही हुआ, सही बता रहा हूँ यार, दिमाग के ऊपर से जा रहा है प्राइस। आप प्राइस देख के बताओ मुझे, अपने रिएक्शंस कमेंट करके बताओ कि भाई छोड़ो छोड़ो यार। और अभी बात खत्म नहीं होता है, गूगल का एक और पहला प्रोडक्ट है गूगल पिक्सल टैबलेट। देखो यार, कोई बंदा टैबलेट को लेता क्यों है? कंटेंट कंज्यूमिंग के लिए, या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए, या फिर स्टडी के लिए, या फिर कह सकते हो कि अभी मजे के लिए, ठीक है। लेकिन भाई ये जो टैबलेट है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन पे है और कोई रिफ्रेश रेट भी नहीं दे रहा है, ब्राइटनेस लेवल्स भी अच्छे नहीं है, तो ये टैबलेट कैसे हुआ? टैबलेट होकर भी ये हम लोगों को कुछ टैबलेट जैसा फीलिंग दे रहा है? अरे सस्ते से सस्ते टैबलेट में भी 144Hz रिफ्रेश रेट और 2K रेजोल्यूशन है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बंदा इसको यूज कैसे करेगा, किस लिए करेगा, क्या करने के लिए करेगा, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ऊपर से इतना मैं पे कर रहा हूँ और तकलीफ हो रहा है मेरे को। बहुत सारा नेगेटिव बात कर लिए, अब पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं। गूगल IO बहुत ही अच्छा इवेंट था, उसमें ऐसी ऐसी चीजों को गूगल बताया है जो एक नॉर्मल यूजर को भी जानना चाहिए। हाँ, अगर आप भले एक नॉर्मल यूजर हो तब भी आपको पता होना चाहिए। और टेंशन मत लो, यही सब अहमियत को मैं जानकर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगा। और याद रखना, अगर आप एक नॉर्मल यूजर भी हो तब भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे फीचर्स हैं ना यार जो बहुत ही अच्छे लगे और डे टू डे लाइफ में बहुत ही हेल्प भी करेंगे हम लोगों को। तो मैं सोचा चलो यार इसको अच्छे से बताते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर ही बताऊंगा गूगल के IO के हाईलाइट्स। Vivo Y78 आज लॉन्च हो चुका है चाइना में। Vivo Y78 Plus लॉन्च हुआ था, फिर उसके बाद Y78 आज लॉन्च हो चुका है। सारे स्पेसिफिकेशंस, प्राइसेस, डिटेल्स स्क्रीन पे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको फोन कैसा लगा। और ये Y78 और Y78 Plus इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होंगे, नाम चेंज होकर होंगे लेकिन लॉन्च जरूर होंगे। Oppo Reno 10 सीरीज के स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हो तो यार Oppo Reno 10 Pro और Oppo Reno 10 Pro Plus आज इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। दैट मीन्स जैसे ये फोन चाइना में लॉन्च होंगे, फटाक से इंडिया में आ जाएंगे, समझ गए।
MediaTek Dimensity 9200 Plus MediaTek का नया प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्च हो चुका है। समझ जाओ कि 8 Gen 2 के आसपास तक का ये परफॉर्मेंस दे देता है। बहुत ही मस्त प्रोसेसर है, बवाल प्रोसेसर है, आप तो जानते ही हो। और आपको बहुत ही जल्द इस प्रोसेसर के ऊपर बहुत सारे मस्त मस्त फोन्स देखने को मिलेंगे। कुछ फोन्स का नाम ले लेता हूँ, Redmi K60 Ultra हो गया, हाँ Redmi K60 Ultra, और OnePlus Ace 2 Pro हो गया, और अपना Vivo X90s हो गया। Realme भी प्लान कर रहा है इस प्रोसेसर के ऊपर एक नया फोन निकालने का, और IQ तो आ ही रहा है भाई अपने IQ 8 Pro के साथ, जहाँ तक मेरे को ठीक से याद है। Oppo F23 का इंडियन प्राइस बाहर आ गया है। देखो यार, Realme 10 Pro का प्राइस अभी क्या चल रहा है Flipkart पे, स्क्रीन पे देख लो, दिखा रहा हूँ, और इसका दाम होगा 26,000 रुपीस। Realme Narzo 60, हाँ केवल Realme Narzo 60 इसी महीने लॉन्च हो सकता है, मतलब कि Narzo 60 सीरीज के फोन्स भी आ रहे हैं। Infinix Note 30 सीरीज के फोन्स बहुत ही जल्द इसी महीने में लॉन्च हो जाएंगे, जिनमें से Infinix Note 30 Pro के लाइव इमेजेस और पूरे स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो यार। मुझे जो डेट्स पता चले हैं, 20 तारीख पता चला है और 23 तारीख पता चला है। अब देखते हैं भाई कौन से तारीख पे लॉन्च होते हैं और जल्द से जल्द इंडिया में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। वैसे Infinix Note 30 सीरीज के फोन्स काफी अच्छे होंगे। Infinix की नोट लाइनअप के फोन्स का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे इंतजार भी करते हैं। Tecno Poa Neo 3 आज FCC को क्लियर कर गया है, डिजाइन आपको पता चल जाएगा कैसा फोन दिखाई देगा, और ये भी बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। Sony Xperia 1 5, रोमन संख्या वाला 5, सोनी का प्रीमियम फ्लैगशिप फोन इस साल का लॉन्च हो चुका है। 1,15,000 रुपए से शुरू होता है, और हम लोग कोई भी ओपिनियन अपना इसमें नहीं देंगे, क्योंकि सोनी खुद बोलता है वो अपने फैंस, अपने चाहने वालों के लिए बनाता है। मतलब कि अगर आप सोनी के फैन हो, आप खरीदना चाहते हो, तो आप जाके ले लोगे, तो इसमें आप कोई भी अपना ओपिनियन या फिर कुछ और चीज़ तो नहीं देखोगे कि मैं किसी और का रिव्यू देखता हूँ, मना किया तो नहीं लूंगा, तो ऐसा नहीं है यार। सोनी का फोन जो होता है वो काफी लिमिटेड होता है और लिमिटेड लोगों के लिए होता है। सोनी इसी तरीके से मार्केटिंग करता है, वो कॉम्पिटिशन में रहता ही नहीं है, उसका खुद का स्टाइल है। जो बंदे यूट्यूब में एड ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते थे, अब वो कर नहीं पाएंगे। यूट्यूब खुद बोल दिया है एड ब्लॉकर्स अब काम नहीं करेंगे यूट्यूब में, तो अच्छा चीज है यार हम यूट्यूबर्स के लिए, पैसे बढ़ जाएंगे, अर्निंग और अच्छा होगा हम लोगों का। वैसे मेरे को तो 3 महीने में एक ही बार पैसा मिलता है, तो मेरा तो क्या ही बढ़ेगा। IQOO Neo 8 सीरीज के स्मार्टफोन, जैसा कि मैंने कहा, 23 तारीख को लॉन्च हो जाएंगे। इनका आज ट्रेलर ही बाहर आ चुका है, ट्रेलर दिखा दे रहा हूँ, देख लो, और मैं जानबूझकर ज्यादा बात कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये ट्रेलर अच्छे से दिखा सकूं। तो आप बताओ मुझे कमेंट करके कि आपको ट्रेलर कैसा लग रहा है। वैसे काफी अच्छा लग रहा है, रॉकिंग टाइप का ये ट्रेलर है, और रेड कलर वेरियंट बहुत ही बवाल लुक दे रहा है, और रेंडर्स भी दिखा दूंगा और सारे स्पेसिफिकेशंस भी दिखा दूंगा, देख लेना। आप मुझे जल्दी से बताओ एक्साइटेड हो कि नहीं हो। और जो बंदे मुझे कमेंट करके सबसे पहले ये पूछेंगे, सुफियान भाई IQOO Neo 8 सीरीज के फोन इंडिया में कब लॉन्च होंगे, अभी लॉन्च नहीं होंगे, अभी तो IQOO Neo 7 लॉन्च हुआ था 2 महीने पहले। ये चाइना में IQOO Neo 8 सीरीज के फोन्स हैं, मतलब कि इनका नाम चेंज हो सकता है जब ये इंडिया में आएंगे, लेकिन IQOO Neo 8 सीरीज के फोन्स जो इंडिया वाले हैं वो अभी लॉन्च नहीं होंगे, वो इस साल के एंड तक नहीं तो अगले साल जनवरी फरवरी में लॉन्च होंगे, अभी बहुत टाइम बाकी है। लेकिन ये फोन्स इंडिया में आ सकते हैं, नाम चेंज हो सकता है इनका। एंड्रॉइड 14 का बीटा इन सारे स्मार्टफोन्स में अब से लाइव हो चुका है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मत करना, मत बीटा टेस्टिंग करना। अगर आपको बीटा देखना ही है एंड्रॉइड 14 का, तो यूट्यूबर्स ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, जाके उनकी वीडियोस को देखो, अपने अच्छे खासे फोन के एल मत लगाओ, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं। डिज्नी प्लस और हुलू, ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स है ना, लेकिन ये जो हुलू है ना, ये डिज्नी प्लस से कंबाइन होने वाला है, इस साल के एंड तक ये डील हो जाएगा। भाई देखो यार, डिज्नी प्लस का क्रेज बढ़ते जा रहा है। Realme Buds Air 5 Pro, ये भी लॉन्च हो चुका है ब्रो, सारे डिटेल्स स्क्रीन पे हैं, और मानना पड़ेगा Realme बहुत अच्छे अपग्रेडमेंट्स किया है इस बार, बहुत ही अच्छा TWS है, एंड आई होप सो इंडिया में भी ये 5,000 रुपए के अंदर में ही लॉन्च हो। चलो यार आज का मेरा हो गया, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो शेयर भी कर देना, यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, शेयर तो कर ही सकते हो, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम। With the bills.